अटक से खबर दें आपको। इस्लामाबाद से आने वाली वुकला की जेल के बाहर हंगामा आरई, उमर नियाजी और शेर अफजल एडवोकेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से बताया गया है। पीटीआई चेयरमैन से जेल में जबरदस्ती मुलाकात की कोशिश की गई है। तफसीलात जान लेते हैं बोर्डिंग नुमाइंदे हाफिज खलील अहमद से। हाफिज खलील, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद से आने वाले चेयरमैन पीटीआई के वकला के खिलाफ थाना सिटी अटक में मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा डिप्टी सुपरिटेंडेंट अटक जेल अफजाल अहमद वड़ाइज की मदियत में दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक उमर खान नियाजी और शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने चेयरमैन पीटीआई से जबरदस्ती मुलाकात की कोशिश की और जेल के हेड वारंट की वर्दी फाड़ दी। एफआईआर के मुताबिक दोनों वकला का कहना था कि हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आर्डर मौसूल करवाने और वकालतनामे पर दस्तखत करवाने के लिए आए थे। दोनों वकला के खिलाफ फौजदारी दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए मसरूफ अमल है। बहुत शुक्रिया हाफिज खलील अहमद इन तफसीलात के लिए। तारीख का अमीन आजादी की अलामत हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।